मैंने इसको सिविल इंपोर्टर्स को बोल के मैंने सबको बाकियों को तो उनकी बॉडीज इज्जत के साथ दबा दी जी। इस ऑफिसर की बॉडी को मैंने बोला कि नीचे लाओ। ट्रैक सूट वाला था। अच्छा अच्छा अच्छा। नीचे जब बॉडी लाए तो मैंने उसकी जेब वगैरह सारी उसके निकाले, उनके जितने भी लेटर्स थे जी, उनसे मेरे को पता चला कि इसका नाम कैप्टन करनाल शेर खान है। कैप्टन करनाल शेर खान, करनाल शेर खान जी। मैंने लड़कों से पूछा कि कैसे, उन्होंने बोला कि सर इस लड़के इसने बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई है। 86 वालों ने बोला? सर 86 वालों ने बोला बड़ी बहादुरी से लड़ा। वो मेरे को भी पता था, जो मैं बार बार मैं बोल रहा था कि इसको मारो इसको मारो सर, यही लड़का जो अच्छा, ये स्टोरी है सर। हाँ ओहो, सो ये जो ट्रैक सूट वाला था वो कैप्टन करनैल शेर खान था। हाँ, शेर खान। और उसकी तारीफ खुद 86 वाले कर रहे हैं कि बड़ी बहादुरी से पाकिस्तानी अफसर। बिल्कुल जी। और मैंने उसके मेरे जो एकदम मैंने जीओसी साथ आपने बात की जनरल साहब से जी, मैंने बोला कि ये जो बहादुर है इसे बड़ी बहादुरी से लड़ा, चाहे कुछ भी हो हमारा दुश्मन है जी, मैं एक चिट इसके जेब में डालने लगा हूं जी, इसकी साइटेशन लिख के। क्या बात है सर। और वो साइटेशन मैंने सिर्फ ये लिखी कि कैप्टन करनाल शेर खान ऑफ 12 NLI हैज फॉट वेरी ब्रेवली जी एंड ही मस्ट बी गिवन हिज ड्यू रिकॉग्निशन। मेरे को बहुत खुशी हुई जब मेरे को पता चला कि उसको निशाने हैदर जी, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है वो दिया गया, और उसके फादर ने जी आर्मी को थैंक्स किया। वेरी वेल सर, वेरी वेल सर।